लगभग 15 लाख रुपए के आसपास, 11 से 15 लाख रुपए तक तो इसके इस्तेमाल के लिए जो इनके खर्च के लिए रखने पड़ते हैं। हाँ, और बैकअप प्लान भी चाहिए 2-3 लाख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हमें ये बताइए, क्या ये हो सकता है कोई अपने घर में, ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मेरा जुगाड़ नहीं है, 5 लाख का जुगाड़ है सर, मैं फार्म बना लूँ, होटल वेस्ट खिला दूँ, क्या उससे भी 100 kg का बच्चा हो जाता है क्या? नहीं नहीं, नुकसान में जाएगा, बीमार हो जाएगा बच्चा होटल के खाने से। आपकी यूट्यूब चैनल से देख कर मुझे, अच्छा मेरी वीडियो देखी, हाँ वीडियो देखी थी, तो उससे मुझे पता लगा। तो ये जो फीड खिला रहा हूँ, अच्छा ये फीड कैसा है, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा फीड है इसका, मेरे बच्चों ग्रोथ भी ज़्यादा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा। एक बार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, और लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं गांव ताजपुर, जिला मुजफ्फरनगर, बिट्टू चौधरी के यहाँ। ये एक साल पहले फार्म किया था, अपने पिग को खंडा खिला रहे हैं, कोई अंडा खिला रहा है, कोई झारा खिला रहा है, कोई वेस्ट खिला रहा है, होटल का मतलब गंदगी खिला रहा है, और फिर हमसे पूछते हैं कि विकार भाई हमारे बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा। यार जब एक बात बताओ, खराब चीज़ खिलाओगे आप, अपने पिग को खराब चीज़ खिलाओगे तो वजन कैसे बढ़ेगा? 2 साल भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं उनको फ़ोन पर बस ये बताता हूँ, भाई साहब आपका फार्म बंद हो जाएगा 2 साल बाद, तो गुस्से में फ़ोन काट देते हैं। ठीक है, तो मैं आऊँ आपको सच बात बता रहा हूँ, अगर आप फीड की जगह कबाड़ा खिलाएंगे अपने अपने पिग को, तो वाकई आपका आपका फार्म जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, स्टाफ के खर्चे होते हैं, और बहुत महंगा ये बिजनेस है। कम से कम आपको अगर इस बिजनेस, सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं तभी इस बिजनेस में घुसे। ठीक है, वेस्ट खिलाओगे तो वाकई आपका फार्म बंद हो जाएगा। अब वीडियो आपको आगे देखना है या नहीं देखना है वो आपकी मर्जी है। तो आज हम बात करेंगे बिट्टू जी से, कैसे उन्होंने अपने फार्म को अच्छा फीड खिलाकर बचाया, नहीं तो इनका फार्म भी डूबने वाला था। पहले ये भी झारा वारा एस्ट वेस्ट अंडा खंडा पता नहीं क्या क्या खिलाते थे। हम बात करेंगे फीड के ऊपर, कौन सा फीड खिलाए, फीड खिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं, 6 महीने में आपका बच्चा 100 kg का होगा या नहीं, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलवा देते हैं बिट्टू चौधरी जी से। पहले हम आपको बिट्टू भाई का फार्म दिखा देते हैं, बहुत ही शानदार फार्म बनाया है, छोटा सा ये देख लो। ठीक है जी, ये हम एंटर हुए यहाँ पे, थोड़ा बारिश का माहौल है इसलिए थोड़ा सा घिचपिच यहाँ पे हुई है। ठीक है जी, मैं ये फार्म बनाया हुआ है, कितने कैप 100 से 150 कैपेसिटी का यह फार्म है। देखिए कितना बेहतरीन फार्म बनाया है इन्होंने। ठीक है, पूरा मतलब लोहे का नहीं बनाया है, ईंटों का बनाया है। ये देख लो यहाँ पे इन्होंने पूरा बेहतरीन, ये जो नस्ल है ये रखी है इन्होंने लार्ज वाइट। देख लो नीचे इन्होंने किसान भाइयों ये लगवाया है, इसका ये फायदा होता है, अगर आप RCC लगवाओगे तो कुछ दिनों में टूटकर इनका जो पैर होते हैं उसमें जख्म कर देते हैं, तो जब भी आप फार्म बनाएं तो ये लगवाएं। ठीक है, फीड खिलाते हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम और गांव का पता बताइए। मेरा नाम बिट्टू और गांव ताजपुर कला। अच्छा बिट्टू जी, आपने फार्म कब खोला था? ये फार्म लगभग 1 साल हो गया चलते हुए। 1 साल हो गया। अच्छा हमें ये बताइए, किसने सलाह दी थी आपको, आइडिया कैसे आया कि पिग फार्म ये सुअर पालन करते हैं? मैं लोगों के फार्म में काफ़ी जाया करूँगा, कहीं से तो एक विचार आया होगा ना? विचार मेरा फार्म को, एक कुतुब कुलदीप जी और मास्टर का फार्म हो तो उससे त्यागी जी का, उसे देख कर मेरा जो हो दिमाग में मैं फार्म बनाऊं। अच्छा अच्छा, मैं फार्म घूमा काफी, तो तब मेरे दिमाग में बैठी, तो मैंने फार्म जो जब बनाया था। कुलदीप जी ने तो लोहे का बनाया है और आपने बनाया है ईंट का। उसमें लोहे के में एक दिक्कत आ, जाड़े के में ठंड ज्यादा लगा और सर्दी में हम हवा नहीं रोक पाते, इसमें ईंट के में फिर भी सर्दी में गर्माहट रहेगा। अच्छा अच्छा, तो इसलिए जो ये ईंटों का बनाया। अच्छा, कितने एरिया में है फार्म? यो 1 बीघे में लगभग, इसका दूसरा खाना 800 गज दूसरे खाना जो इसका तैयार होने लग रहा है। सही बताना कितना पैसा लग गया इसमें? जहाँ तक फिलहाल मेरा फार्म खड़ा 11 लाख रुपए मेरे लग चुके हैं। 11 लाख बच्चों सही, बच्चों सब सब जितने। आप शुरू में आपने जैसे कि आपने बताया 3 महीने आपने होटल वेस्ट खिलाया, बियर खिलाया, खंडा वगैरह खिलाया, तो आपको ये जो आप फीड, आप कौन सा फीड खिला रहे हैं? फीड खिला रहा हूँ जो आपकी यूट्यूब चैनल से देख कर मुझे, अच्छा मेरी वीडियो देखी, हाँ वीडियो देखी थी, तो उससे मुझे पता लगा। तो ये जो फीड खिला रहा हूँ, अच्छा ये फीड कैसा है, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा फीड है इसका, मेरे बच्चों ग्रोथ भी ज़्यादा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। बस एक दिक्कत है, बदबू सी थोड़ी, लेकिन बहुत बढ़िया फीड है बहुत। अच्छा मतलब हल्की जी बदबू आती है, बदबू सी आवाज़ बस। अच्छा बिट्टू भाई ये बताइए, एक महंगा तो नहीं है फीड? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया फीड है जी, बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे स्टार्टर लगभग 1500-1600 रुपये का कट्टा, फरावर का जो 1100 रुपया कट्टा,
ये पांच वैरायटी में आता है, स्टार्टर, फेरोवर, ब्रीडर, फिनिशर। तो ये पांचों वैरायटी कैसे कैसे खिलानी पड़ती है? बच्चों को कौन सा खिलाते हैं? बच्चों को स्टार्टर खिलाया जाता है। स्टार्टर, अच्छा। छोटे बच्चे को कितना केजी खिलाया जाता है? लगभग जैसे मेरे यहाँ से एक महीने के ना, जब 50 ग्राम या 100 ग्राम बस इतना ही ले सकते हैं बच्चे को। छोटे से लेके बड़े तक? बड़े तक लगभग अगर हम इसे 6 महीने तक खिलाऊंगे तो 1-1.5 किलो तक जा सकता है। 1-1.5 किलो तक खाता है। अच्छा, अब हमें बताइए बिट्टू भाई, हमें ये बताइए एक बच्चा 100 केजी का होने में कितना फीड खा जाता है और कितना खर्चा आता है उस पर? 9,000 रुपये की लगभग लागत आती है। 9,000 रुपये के लगभग लागत आती है। और एवरेज कितना खाता है? 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो। अच्छा, अब हमें ये बताइए और बचता कितना है, कितने में बिक जाता है? कम से कम बता दो। लगभग लगभग 12,000 के आसपास बस। अच्छा, तो एक बच्चे पे 3,000 रुपये बचते हैं। अच्छा, तो और ये मादा को कौन सा खिलाते हैं? मादा जो गर्भवती है जो फेरोवर खिला रहा है। जो फेरोवर खिलाते हैं। अच्छा, और ये जो सांड होते हैं? जो सांड होता है उसके लिए जो बिल्डर। अच्छा, और जो दूध दे रही उसके लिए बिल्डर। अच्छा, उसके लिए ब्रीडर। फेरोवर किसके काम आता है? फेरोवर जो गर्भ से उनके काम आता है। अच्छा, इनका रेट क्या क्या है, रेट बताएंगे थोड़ा? रेट एक फेरोवर का जो 1100 रुपये है उसका 1300 रुपये है बिल्डर का। ठीक है, रेट लिस्ट हम किसान भाइयों अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर ये रेट दिए गए हैं। आपका बच्चा 6 महीने में 100 केजी का। ये तो हो गई फीड की बात, अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग का क्या सोचा है? मार्केटिंग का तो अभी जैसे मैं अपने फार्म को बढ़ाने के लिए लग रहा है, अभी तो मैंने मार्केटिंग के बारे में सोचा नहीं। वैसे मार्केटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। फ़ोन करो किसी भी ग्राहक को, तुरंत अपने यहीं से उठा कर ले जाओ, तुरंत आ जाता। अच्छा, नुकसान का तो इसमें कुछ नहीं है? आपने भी बहुत रिसर्च की होगी, ऐसे तो लगा नहीं दिया 11 बार आ जाए? नहीं नहीं नहीं, नुकसान नहीं है इसमें, फायदा ही है। फायदा ही है, फायदा ही है। अच्छा, हमें बताइए अगर कोई हमारी वीडियो देख के कोई फार्मर इसको खोलना चाहता है, कम से कम कितने पैसे चाहिए भाई? अगर इसे कम से कम में चलाना चाहते हो, जैसे स्तर पर मेरा चल रहा है, तो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास, 11 से 15 लाख रुपए तक तो इसके इस्तेमाल के लिए जो इनके खर्च के लिए रखने पड़ते हैं। और बैकअप प्लान भी चाहिए 2-3 लाख। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताइए क्या ये हो सकता है कोई अपने घर में, ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मेरा जुगाड़ नहीं है, 5 लाख का जुगाड़ है सर, मैं फार्म बना लूँ, होटल वेस्ट खिला दूँ, क्या उससे भी 100 केजी का बच्चा हो जाता है क्या? नहीं नहीं, नुकसान में जाएगा, बीमार हो जाएगा बच्चा होटल के खाने से। बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसमें अगर बाहर से भी आदमी आवो तब भी बीमारी आवो फार्म। तो आगे क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान तो जो आगे काफ़ी बड़ा फार्म बनाने का, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा बनाएगा बहुत सुकून और बहुत इनकम इसमें। ऐसी अच्छा। बात नहीं है, मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि मैं अपना फार्म बना रहा हूँ। अच्छा, गांव वाले कोई परेशान तो नहीं करता? बदबू आती है? कोई नहीं, मुझे गांव वाला कोई परेशान नहीं करता। वैसे भी मेरा गांव से लगभग दूरी है, 300 मीटर के आसपास। अच्छा, आप हमें बताइए बिट्टू भाई, आपने लोन लिया है इस पे या अपने पैसे? नहीं नहीं, मैंने अपने पैसे से करा, कोई लोन नहीं करा। किसान भाई को क्या राय देने चाहेंगे, लोन लेना चाहिए कि अपने पैसे से करना चाहिए? भाई अगर हम लोन भी ले रहे हैं तो लोन का पैसा टोटल फार्म में लगाओ। अच्छा, मेरी तो यही रहा, नहीं तो किसान भाई जो अपने पैसे से अगर कर सके तो चाहे छोटे स्तर पर करो। अच्छा, बात करते हैं ये आपके पास कौन सी नस्ल है और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया नस्ल कौन सी रहती है? हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लाल वाइट है सबसे अच्छा, क्योंकि लार्ज वाइट जो है गर्मी बहुत कम मानना हो। अच्छा, गर्मी कम मान। अफ्रीका अमेरिकन जो है ऑस्ट्रेलिया होंगे ना, तो वे गर्मी मानते होते हैं, यहाँ इतना साधन नहीं है हमारे पास में जो हम इतनी रोकथाम कर पाऊँ। अच्छा अच्छा, हाँ। जो हमारे युवा किसान भाई हैं, बेरोजगार भाई हैं, अंत में उनको क्या सलाह देना चाहोगे? भाई जो खेती छोड़ के पहले नौकरी करते थे, कोरोना में उनकी नौकरी भी छूट गई। मेरे से बड़ा बेरोजगार फिलहाल कोई नहीं था जी। खेती में मैंने देखा, मेरे खेत में जो 5 बीघा गन्ना लगा, मैंने 5 बीघे में जो लगभग 40,000 रुपये के पास गन्ना निकला मेहनत करने के बाद भी, तो मैं भी परेशान होगा, खेती में इतनी इनकम नहीं रही किसानों को, उनके बच्चे बेरोजगार हो गए। तो मैं भी फिर सोचा भाई थोड़ा समय तो लगेगा पैसे आने में, लेकिन मैंने फिर फार्म के बारे में सोचा, और ये फार्म जो है सबसे बड़ी इनकम का साधन है आज के टाइम में, इससे अच्छा कोई फार्म है ही नहीं। अच्छा, मैं तो कमल भाई किसान भाई से अनुरोध है कि ये फार्म जो जितने बड़े स्तर पर होगा उतना सब कुछ मिलकर, अगर हमारे क्षेत्र में जो है यहाँ लगभग 10-20-50 फार्म होंगे तो हमें सबको लाभ उस फार्म का होगा। एक मतलब यूनियन बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। हाँ, हमारे माल जो सबका सीधा जो डायरेक्ट जो वहाँ सप्लाई होगा, जहाँ भीमापुर जहाँ ये सब लोग भेजते हैं बड़े फार्म वाले। बहुत बढ़िया जानकारी दी बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी प्राइड फीड खरीदना चाहते हैं, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, आकाश चौधरी से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता फीड है, गारंटी देते हैं 6 महीने में 100 किलो का बच्चा आपका हो जाएगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।